डॉक्टर संदीप, मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी अपनी एक बात कह दूं। मैं कहीं जो आप पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं ना, बैटरी की बात और ये सब, मुझे लेकिन मेरा एक इसमें दूसरा टेक है। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस मूल रूप से चौकस नहीं थी, चाक चौबंद नहीं थी, इलेक्शन उसके हाथ से निकल गया। और अगर चाक चौबंद रहती तो मैं दो सिर्फ चीजें कहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा के रेफरेंस की बात है, 17C जो मतगणना के बाद आपको फॉर्म लेना होता है, 2024 इलेक्शन में खूब इस पे बात हुई थी कि सबको लेना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, फलाना करना चाहिए, वो क्यों नहीं लिया गया? कांग्रेस की तरफ से क्या हुआ? वो लिए गए क्या? जब मतगणना के बाद 17C को, गणना के समय जब काउंटिंग टेबल, अरे वोट के बाद का 17C जब मतगणना हो रही थी, तो क्या उससे मिलाया गया? नंबर एक। नंबर दो, ये जो 99% की बात हो रही है ना, जो पवन खेड़ा जी कह रहे हैं, आपके अगर संगठन मजबूत रहता तो जिस समय ये सील हो रही थी उस समय भी 99% अगर था तो उस समय फोटो खींच के फिर देता, तब तो बात थी। आप जब जब सांप निकल गया है तो लाठी पीटने से बहुत कुछ होगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये थोड़ा आप ईवीएम को गलत है, ये गलत है, या तो आप सैद्धांतिक रूप से आज से कहिए ईवीएम गलत है, हम नहीं इस चुनाव में, पूरा इंडिया वो। लेकिन इन बातों को कहने से मैं थोड़ा इसमें बहुत वो हूं कि आपको खुद चाक चौबंद रहना है। अगर सामने वाला खिलाड़ी बहुत ही चौकस है, आपकी देख रहा है कि आपकी आंख झपकी और वो कुछ इधर उधर कर ले, तो आपको भी उस हिसाब से तो तेज रहना होगा। आप राम रहीम जैसे लोगों को मत बुलाइए, लेकिन कम से कम चुनाव की चौकसी तो आप करिए ही करिए। मैं डॉक्टर संदीप एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, ये अगर इतनी जो खींचतान तो है, अब वो खींचतान को माने ना माने वो अलग बात है, ऐसी खींचतान की जो भी सरकार बनेगी वो क्या वैसी टिकाऊ रहेगी? क्योंकि एक एक समय ये था कि दिल्ली से फरमान जाता था और गुजरात के सारे मंत्री चीफ मिनिस्टर सब बाहर और नई टीम अंदर, मतलब ये भी नहीं कि किसी को रिपीट करें। उस तरह का तो अब डिक्टेट नहीं चल रहा है, तो अगर वो डिक्टेट नहीं चल रहा है तो क्या ये जो सरकार जो भी आएगी वो टिकाऊ हो, आपको लगता है उतनी ही टिकाऊ रहेगी जैसे पुरानी सरकारें थी? क्योंकि मेजोरिटी ऐसी बहुत आराम वाली नहीं है, दो तीन ही एमएलए ज्यादा हैं। डॉक्टर संदीप, जी, सभी को नमस्ते। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये डिफेक्टर्स हैं, मैंने जो लोग कोशिश कर रहे हैं इनको कि ये अनिल विज या फिर राव इंद्रजीत या नरवीर कुछ अपना क्लेम कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। कारण इसका ये है कि बीजेपी जो है वो इस तरह के मसलों को, एक तो वो पावर में है केंद्र में, दूसरा स्टेट में भी उसको फुल मेजोरिटी आ गई, भले 3 सीटों की मेजोरिटी है और वो मेजोरिटी उसे आई है, तो कोई विरोध नहीं कर पाएगा। हल्का फुल्का राव इंद्रजीत थोड़ा सा निगोसिएशन कर रहे हैं और वो मुझे नहीं लगता है कि लंबा कर पाएंगे। एक तो उसका मुख्य कारण ये है कि उनको डिफेक्ट करने के लिए, मतलब अगर टूट के भी वो निकले या फिर अलग भी होना है तो 15 MLA चाहिए, और 15 MLA उनको लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कहते कर रहे हैं ये उनके ऊपर, वो तो मालूम होगा उनको, लेकिन फिलहाल अहिरवाल में 9 सीटें जीती है इन लोगों ने, अगर मान लीजिए कि सभी उनके साथ हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि कोई भी जाति हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो यादव हो, या फिर कोई जाति हो, हर जाति में एक ही तरह की सोच के लोग नहीं होते हैं, वहां भी अलग अलग डायनेमिक्स होते हैं। उसमें भी एक सर्वहारा वर्ग होता है, एक सेंसिटिव लोगों का दल होता है, एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, और राव इंद्रजीत सिंह की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत कोई सर्वहारा की पॉलिटिक्स है नहीं, और ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं है जिसमें उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आपको मालूम है, मुझसे ज्यादा मालूम है कि वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, कहीं कहीं वो 24 कैरेट वाले बीजेपी आई या संघी भी नहीं है। हालांकि वो निगोशिएट करते हैं तो कर सकते हैं, इनके उनके लिए गोल्डन चांस भी है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, उससे भी लड़ना है। जो डिफेक्ट करेगा उसको ऐसा नहीं है कि बीजेपी छोड़ देगी, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होंगी। और ये बस एक जो भी है बीजेपी में, मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि बीजेपी इसको सुलझा लेगी, मना लेगी लोगों को, और उसका जो तंत्र है उसमें वो फिट बैठता है, वो मैनेज कर लेंगे। रही बात, आपने एक सवाल पूछा था कि अमित शाह ही क्यों जाते हैं। देखिए, जिस भी किसी भी दल में लोकतंत्र होता है, बहुत ही सुधरे हुए विचारों की राजनीति होती है, वहां तो कोई भी जा सकता है। जब पूरा पावर सेंटर ही 2-2.5 लोगों की कही जाती है कि सरकार है, इनफैक्ट 2 लोगों की सरकार है, तो फिर क्यों नहीं जाएंगे वो? कौन जाएगा? एक्चुअली वो हर मामले में ट्रबल शूटर है, संकट मोचक। तो ये बात हुई, इसलिए वो गए हुए हैं।
मोहन यादव को ले जाया गया ऐसे ही कि वो थोड़ा अपना अपने हिसाब से, अनिल विज कोई समस्या नहीं है वहां, अनिल विज समस्या नहीं है, हल्की फुल्की समस्या रविंद्र जी थे जिनको वो लोग समझा लेंगे, सलटा लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है बीजेपी को। बीजेपी दूसरे लोगों को भले अपने में मिला ले ये बात हो सकती है, क्योंकि उनको सोचने में और करने में एक मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है आप देख रहे हैं आज बहराइच में जिस तरह से दंगे को मैन्युफैक्चर किया गया है। जब रात को एक हत्या हो गई तो अगले दिन आपने अलाउ क्यों किया, कहां थी पुलिस, कहां थे प्रशासन, कहां थे सीएम, कहां थी आपकी पूरी मशीनरी, आप देख नहीं रहे हर चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये लोग। तो ये बातें हुई, तो ये बेसिकली क्या है कि ये पूरी पॉलिटिक्स है, बीजेपी आराम से अपना जो भी करना चाहती है कर लेगी। हालांकि मैं एक और चीज जोड़ दूं, इससे कांग्रेस के प्रॉस्पेक्ट्स पर असर नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस ये चुनाव जीत रही थी, जीती हुई थी, लेकिन उसने हारा है ये बात दूसरी है। अभी भी कांग्रेस अगर जाग जाए तो बहुत दिक्कत नहीं है उसको, वो झारखंड भी जीतेगी और महाराष्ट्र भी जीतेगी। मैं एक उत्साही कांग्रेस समर्थक के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक खुली हुई आंख से सिचुएशन को देखने वाले व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि झारखंड में अभी मैं बैठा हूं, मैं रांची में हूं अभी, और आज दिन भर मैंने बात की लोगों से। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पास एक्चुअली यहाँ 26% आदिवासी हैं, 12% दलित हैं और 46% ओबीसी हैं, 10-15% के आसपास अपर कास्ट है जो ज्यादातर उड़ीसा, बंगाल और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो ये यहाँ का कंपोजिशन है कास्ट का, और ओबीसी लीडरशिप बीजेपी के पास रघुवर दास के जाने के बाद कोई है नहीं। और रही बात आदिवासी जो समूह है उसमें मुंडा, हो, उरांव और सोरेन, ये 4-5 जातियां हैं जिनका क्लेम है, जिसमें सोरेन जिस जाति से हेमंत आते हैं, संताल, वो बहुत महत्वपूर्ण जाति है और उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इसमें अब बेसिकली क्या है कि जो आदिवासी अस्मिता है वो हेमंत सोरेन को जेल में भेजे जाने से बहुत ही एकजुट है। अभी मीनू मैडम ने कहा कि वो 3 महीने जेल में रखे हैं, 3 महीने नहीं, हो सकता है मैडम की क्लिप ऑफ टंग हो गई हो, 5 महीने जेल में रहे हेमंत सोरेन, मैं सुन रहा था उनको ध्यान से, 5 महीने जेल में रहे हेमंत सोरेन। और वो भी ध्यान रखिए, वो जो उनके खिलाफ करप्शन का मामला है पूरा का पूरा झूठ है, वो पूरा का पूरा एक फेक मामला है। तो आप सोचिए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से है, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई ट्राइबल सीएम है भी इस समय भारत, लेकिन हाँ है वो उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में, लेकिन समस्या ये है कि उनको जेल में रखा गया, सेंटिमेंट बहुत ऊपर है। दूसरा ये है कि बीजेपी के पास तो लीडर है बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, लेकिन वो दोनों उस स्थिति में नहीं है कि ट्राइबल सेंटिमेंट्स को अपनी तरफ खींच पाए। अब रही बात, माइनॉरिटी भी अच्छी खासी संख्या में है झारखंड में, और जानते हैं बीजेपी ने यहाँ क्या नैरेटिव गढ़ा है, बीजेपी दो नैरेटिव्स पर लड़ रही है, एक उत्तर प्रदेश का घिसापिटा नैरेटिव है लव जिहाद का, लव जिहाद, और दूसरा वो कह रहे हैं कि माइग्रेशन बांग्लादेश से, जो इस सटा हुआ हिस्सा है उधर से साहेबगंज और पाकुड़ से, जो बांग्लादेश बंगाल से मालदा से सटा हुआ है, ये कह रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमान है वो आ रहे हैं और आदिवासी लड़कियों को फंसा के शादी कर रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही, जो कि झूठ का नैरेटिव है, पूरा का पूरा झूठ का। एक्चुअली दो शब्द गढ़े हैं इन्होंने, लव जिहाद और लैंड जिहाद, कह रहे हैं कि जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं शादियां करके, और इनके पास तीसरा नैरेटिव नहीं है। ये तीसरा ये कह रहे हैं कि ये उल्टे ओबीसी की मैंने जो पोजीशन है, जो हिस्सेदारी है वो छीन रहे हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। हेमंत सोरेन ने रिजर्वेशन को बढ़ाया था और उन्होंने अपने मैंने असेंबली में ये भी पास किया था कि वो अपने हिसाब से कास्ट सर्वे भी करेंगे। तो कुल मिला के झारखंड में इनकी स्थिति जो है बहुत ही कमजोर है, और मैंने जैसा आपकी बताया कि झूठ का नैरेटिव इनका, झारखंड में भी यही झूठ ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। तीसरा मामला जो महाराष्ट्र का है, मैं भी उसमें कुछ जोड़ दूं, क्योंकि जैसे मैडम मुद्दों से जुड़े मामलों को देखती हैं, मेरा जो बेसिकली जो सोशल एक बेसिकली अप्रोच है उसमें जो मनोज जरांगे पाटिल का जो मूवमेंट था जालना में, और जिस तरह से कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे, मनोज जरांगे पाटिल भी जालना से तो आते हैं लेकिन बेसिकली वो मराठा है, और कल या परसों मराठाओं की बहुत बड़ी भीड़ में रैली हुई है, बहुत बड़ी रैली हुई। तो मेरा जो ये है कि मराठा, मुस्लिम, दलित, ये भी पूरी तरह से डिसोल्यूशन है बीजेपी से। बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए कि हम आपको ये रिजर्वेशन देंगे, वो देंगे, जो कि संभव नहीं था। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगी तब तक आप कायदे से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि आपको कास्ट, इकोनॉमिक सर्वे और सोशल स्टेटस जातियों का और उन जातियों से आने वाले लोगों का जानना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आंकड़े होंगे, तब जाके, क्योंकि एक बार वो जो प्रपोजल था वो टर्न डाउन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से मराठाओं के रिजर्वेशन का,
तो सभी अपने हिसाब से, एकनाथ शिंदे ने क्या किया कि उनके पास तो कोई जमीन का आधार है नहीं राजनीतिक, तो उन्होंने किया क्या कि मनोज जारंगे जैसे पाटिल के आंदोलन पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू की। कारण ये था कि उन्होंने कहा कि कुणबी मराठा और मराठा, एक्चुअली कुणबी मराठा जो ओबीसी में आते हैं वो 6% है और 26% के आसपास, 24% के आसपास मराठा है वहां पे। आप ये समझ लीजिए कि 245 की असेंबली में एक बड़ी आबादी मराठा एमएलए की, मतलब अब ये भी एक ऑडिट की जरूरत है, सोशल ऑडिट की जरूरत है, इकोनॉमिक ऑडिट की जरूरत है कि वास्तव में मराठाओं को क्या चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली उनसे ज्यादा एम्पावर्ड कहीं किसी भारत में कोई कम्युनिटी है ही नहीं। एक राज्य में जहां 145 सिटिंग एमएलए हो एक जाति के, आप समझ सकते हैं ऐसा कहीं नहीं है भारत में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मराठाओं को इकोनॉमिक सोशल क्या बैकवर्डनेस है सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक ढंग से उसको इवेलुएट करके इन्वेस्टिगेट करके तब जाके चीजों को किया जा सकता है, ना ही बीजेपी करना चाहती थी और ना ही ये जो रिजीम है जो सरकार चल रही है वो करना चाहती है। तो ये मुद्दा है। दूसरा ओबीसी, बीजेपी का जो सबसे बड़ा महाराष्ट्र में वोटर रहा है वो ओबीसी है और झारखंड में भी था बड़ा, अब उसको भी छला है बीजेपी ने, क्योंकि जब शिंदे ने दे दिया रिजर्वेशन मराठाओं को तो सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी हुई ओबीसी को, क्योंकि उनको अभी भी राज्य की संस्थानों में उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, और उसके बावजूद जब इन इस तरह के का रिजर्वेशन आ गया वो लोग इतना इनसिक्योर थे। कहीं से मेरी बात हुई फोन से, मैं महाराष्ट्र के आधा से ज्यादा जिलों में व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं और हर जिले में 2-3 व्यक्ति हैं मेरे, क्योंकि मैं ओबीसी मूवमेंट और इस तरह के मुद्दों पर जुड़ा हुआ। मैं मराठवाड़ा, पूरा मराठवाड़ा, पूरा विदर्भ, इस तरह के जिलों में मैं जा चुका हूं, जाता रहता हूं और जुड़ा हूं। वो लोग इतने इनसिक्योर थे ओबीसी के लोग कि वो बहुत डर गए थे, क्योंकि मराठाओं का इतना सामाजिक प्रभुत्व है कि उनको गांवों में जाने में डर लगता था। ये एक दूसरे तरह का कर्फ्यू था, एक एक दूसरा सोशल जो मराठाओं का एक कब्जा है समाज पे, उससे दूसरे वर्ग बड़े इनसिक्योर फील कर रहे थे। तो अभी फिलहाल ये है मामला कि बीजेपी से ना बैकवर्ड कास्ट खुश है, मराठा तो एकदम उनके अगेंस्ट है, और रही बात जो दूसरी जातियां हैं उनसे भी उनमें खुशियां नहीं है, कोई वो नहीं है। अब कैसे मैनेज करेगी बीजेपी, उसके पास वही टूल है। कल यहाँ झारखंड में भी छापे पड़े हैं, शिबू सोरेन के एक मंत्री हैं, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है मिथिलेश ठाकुर, उनके ईडी और इस तमाम तरह के छापे पड़े हैं। तो यही टूल वो अपनाएगी, इसी पर काम करेगी, झूठ का नैरेटिव, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस तरह की चीजें वो करेंगे, गढ़ के ले आएंगे, कोच के ले आएंगे और उसी पर लोगों को कंफ्यूज करेंगे। और पोल मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, इस तरह की इन सारी चीजें हैं, पैसा भी है उनके पास, क्योंकि एक ही ऐसी पार्टी है जिसने 2014 से 2024 तक 6,000 करोड़ रुपए मीडिया पे खर्च किया है। वो दूसरे मैंने पोल मैनेजमेंट पे वो 10,000 कर देगी क्योंकि पैसा उनके पास है। तो ये पोल कहीं से भी, ये जो चुनाव हो रहा है भारत में, बहुत साफ सुथरे नहीं है और निर्पक्ष नहीं। जी।